डॉक्टर कैन यू शेड सम लाइट की स्पेक्स रिमूवल सर्जरीज जो आजकल हैं, देयर आर लॉट ऑफ सर्जरीज अवेलेबल बट वी स्टिल आर अनअवेयर, क्या सही है क्या गलत है, करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए? सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू गिव दिस मैसेजेस टू ऑल आर ऑडियंसेज एंड लिसनर्स कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आप उस चश्मे को हटाना चाहते हो, यू आर फेड अप विद योर ग्लासेस, यू वांट अ परमानेंट सॉल्यूशन टू ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेस, तो कोई आयुर्वेदा, कोई होम्योपैथी, कोई ड्रॉप, कोई गोली, कोई योगा, कोई एक्सरसाइज, कोई जड़ी बूटी चश्मे का नंबर नहीं हटा सकती। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चश्मे का नंबर आता है आंख का साइज बड़ा होने से। अब किसी की हाइट 6 फुट हो गई है तो मैं उसको गोली खिला के 5 फुट तो नहीं कर सकता ना, 5 फुट करने के लिए मुझे पैर को काटना ही पड़ेगा। इसलिए चश्मे का नंबर सिर्फ एक छोटे से ऑपरेशन से हट सकता है, और ये ऑपरेशन आजकल इतने एडवांस हो गए हैं, इतने एडवांस हो गए हैं कि इन ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई टांका नहीं होता, कोई ब्लेड नहीं होता, कोई फ्लैप नहीं होता, कोई पट्टी नहीं होती, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती। आज आपने सोचा कि मेरे को चश्मा हटाना है, कल के दिन आपकी सर्जरी हो गई, वॉक इन वॉक आउट है, 10 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है, पेशेंट चलता हुआ आया, चलता हुआ चला गया, और उसके अगले दिन से आपको याद भी नहीं रखना ऑपरेशन हुआ था, और आप रोजमर्रा के सारे काम अपने शुरू कर सकते हैं। तो इसमें हम सब लोगों ने एक लेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होता है कि चश्मा हटवाना है तो लेसिक करा लो। वेल, लेसिक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन लेसिक अब 25 साल पुरानी हो गई है। तो लेसिक के बाद उसी के और एडवांस्ड वर्जन आ गए हैं। तो लेसिक के बाद एक स्माइल नाम का ऑपरेशन आया, उसके बाद एक कॉन्ट्यूरा विजन नाम का ऑपरेशन आया, और अब जो लेटेस्ट ऑपरेशन आया चश्मा हटाने का, उसका नाम है सिल्क। और ये सिल्क ऐसा प्रोसीजर है कि आज करा कल से अपने काम पर लग जाओ। इस ऑपरेशन में जो पेशेंट की नजर आती है वो नॉर्मल इंसान से भी बेटर आती है। जैसे एक नॉर्मल इंसान 6x6 देख सकता है, तो सिल्क ऑपरेशन करा के वो 6x5 एक सुपर विजन मिलता है, नॉर्मल से भी ज्यादा देख सकता है। तो चश्मा तो हट ही गया पूरी लाइफ के लिए, और आपकी नजर की क्वालिटी को भी हम और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन आजकल अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान अपना चश्मा हटा सकता। तो चश्मा हटवाने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करना जरूरी है। उसमें पहला क्राइटेरिया है दैट योर एज शुड बी अबव 18 इयर्स, दैट इज द मिनिमम एज दैट यू नीड टू गेट ऑल दिस प्रोसीजर्स डन। योर स्पेक्टिकल पावर शुड बी स्टेबल फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, तो पिछले 6 महीने में पावर चेंज नहीं होनी चाहिए। माइनर वेरिएशन ऑफ 0.5-0.25 डायोप्टर्स, वी डोंट एक्सेप्ट दैट। लेडीज शुड नॉट बी प्रेगनेंट और ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज या ना हो या ऐसी दवाइयां ना आप खा रहे हो दैट कुड कॉम्प्रोमाइज योर इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे HIV पेशेंट हो गए या कुछ इम्यूनोसप्रेसेंस खा रहे हैं, स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, ऐसे लोग ऑपरेशन नहीं करते। एंड आपकी आंख में चश्मे के अलावा और कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो इफ योर आई हैज सम अदर पैथोलॉजी देन वी बेटर अवॉइड दिस कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। तो एक बार ये सब चीजें फुलफिल हो जाती है, फिर आप एक हॉस्पिटल में आते हो जहां पे आपके 10-15 तरह के चेकअप्स होते हैं, और अगर वो चेकअप्स आपके पॉजिटिव सक्सेसफुल आते हैं देन यू आर डिक्लेयर्ड फिट फॉर द सर्जरी। तो अगर 100 लोग ऑपरेशन कराने आएंगे तो 100 में से 70 लोगों का चश्मा ही हट सकता है, बाकी 30 लोगों को चश्मा पहनना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको ये समझाया कि लेजर्स वगैरह होते हैं, लेसिक है, सिल्क है, कॉन्टूरा है, तो ये जो लेजर्स हैं ये 8 नंबर तक का चश्मा ठीक कर सकते हैं, -8 तक का चश्मा आप इन लेजर से ठीक करा सकते हो, सिल्क लेजर वगैरह से। बट अगर किसी का चश्मा -8 से ऊपर है, जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले -30 का लाया, इतना हाई भी हो सकता है, तो -8 के ऊपर अगर आपके चश्मे का नंबर है देन यू हैव टू गो फॉर अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी विच इज समथिंग कॉल्ड एज ICL। सो इन ICL वॉट वी आर डूइंग इज दैट वी आर इंसर्टिंग अ लेंस इन साइड योर आई दैट हैज योर स्पेक्टिकल पावर। तो अभी आप चश्मा बाहर पहन रहे हो, ऐसा ही हमने एक लेंस बना के आंख के अंदर डाल दिया, सारी पावर आंख के अंदर आ गई और बाहर से चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द 2 टेक्नोलॉजीज दैट आर मोस्ट पॉपुलर आज के डेट में चश्मा हटाने के लिए।